एक ज़माना वो भी था जब फिल्मी सितारों के पास अनगिनत संदेश खतों के जरिए ही पहुंचते थे। आज हम आपको उसी वक्त के पोस्टमैन से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक शाहरुख और सलमान सरीखे सितारों के घर चिट्ठियों के माध्यम से लोगों के पैगाम उन तक पहुंचाए। ये गाना तब का है जब दिल की बात किसी से कहने का जरिया यही डाकिये थे। लेकिन आज जमाना फास्ट हो गया है। एक मोबाइल पर पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो जरा रुकिए। चिट्ठी और खतों किताबों का दौर अभी भी चल रहा है और खूब चल रहा है। क्या आपको पता है कि आज भी फैंस अपने पसंदीदा फिल्म स्टार्स के घर रोजाना सैकड़ों हजारों चिट्ठियां भेजते हैं। कौन लाता है इन्हें, कैसे होती है वो चिट्ठी, बड़े बड़े सिने स्टार और सिने तारिकाओं के घर उन लेटर्स को रिसीव कौन करता है और क्या होता है उन खतों का पैगाम, इन सभी सवालों से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे और साथ ही मिलवाएंगे शाहरुख और सलमान खान के घर चिट्ठी पहुंचाने वाले पोस्टमैन से भी। ये है सावंत दादा जो एक मुद्दत से सलमान खान, शाहरुख खान और उनके फैंस के बीच संवाद का जरिया बने हुए हैं। चिट्ठी तो नॉर्मली आती है और दोपहर के बाद स्पीड पोस्ट भी से आते हैं। अच्छा। एक्सप्रेस मेल। अच्छा। तो ऑर्डिनरी से भी आता है और स्पीड पोस्ट से भी आता है। तो सलमान जी का बहुत सा लेटर आता है। सावंत दादा के पास आज भी शाहरुख और सलमान के नाम से हजारों चिट्ठियां आती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन चिट्ठियों में से कुछ तो खून से भी लिखी होती हैं। क्योंकि ये है ना, सलमान जी है वो लोगों को मदद करती है, समझा ना, बीमारी जो रहती है उनके लिए मदद करती है। तो वैसे भी चिट्ठी आती है मदद के लिए, खून से भी चिट्ठी मिली है। यानी ऐसा नहीं कभी बाय चांस किसका एकदम एक ही साथ यानी ये रहता है, पूरा प्यार रहता है वो। और बड़ा बड़ा ये भी आता है उनका पोस्टर विस्टर के साथ। हाँ, ज़्यादा करके उनका बर्थडे का टाइम पे आ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर जब ये चिट्ठी सावंत दादा सलमान खान और शाहरुख खान के घर लेकर जाते हैं तो इन्हें क्या शाहरुख या सलमान खुद रिसीव करते हैं? उनके है ना असिस्टेंट है ना उनके। अच्छा। वो करते हैं। कभी सलमान खान ने आपसे मिले, आपको आपसे चिट्ठी मिलते हैं? सलमान खान, सलीम साहब वगैरह मिलते हैं, उनके पिताजी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। डिजिटल क्रांति, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के इस दौर में भी हाथ से लिखे हुए अक्षर का जादू बरकरार है। चिट्ठियों का सिलसिला देखिए, हमारे साथ में जो पोस्टमैन है काफी पुराने हैं और ये चिट्ठियों का सिलसिला, जैसे इन्होंने कहा कि कभी कदार बहुत अलग अलग चिट्ठियां भी देखने को मिलती हैं। कभी अगर ज्यादा प्यार कोई करता है तो वो खून भरी चिट्ठी भी आ जाती है, वो भी इन्होंने उन तक पहुंचाई है। तो मैं कहने का मतलब हमारा यही है यहाँ पर कि सालों से जो आदमी चिट्ठियाँ दे रहा है वो किस तरीके से कम्युनिकेशन चेंज हुआ, लेकिन आज भी चिट्ठी के मायने जो है वो ज़रूर दिल तक जाते हैं। शायद इसीलिए शाहरुख खान के से ज़्यादा सलमान खान के यहाँ चिट्ठियाँ आज भी आती हैं। ब्रिजनिस राजेश मालकर के साथ विकास राधेश्याम।